शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संगीता मेरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है। मगर इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं कि तू गरीब है, तुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। अवतार, मोहब्बत करने वाले इस तरह हिम्मत नहीं हारते। अरे मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होता है तू क्या जाने। तूने कभी चोट खाई होती ना तो तुझे पता चलता। तू तो किस्मत वाला है रे, जो मेरे कांधे पर अपना सर रख कर रो तो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोने के लिए कांधा भी नसीब नहीं होता। अरे पगले, जिसने अपने प्यार की तस्वीर के लिए अपना हाथ जला लिया हो, ऊपर वाला उसका दिल कभी जला नहीं सकता। तो देख लेना, एक ना एक दिन संगीता तेरी जरूर होगी। ये इस दोस्त की दोस्ती का वादा है। तू करने को क्या मांगता है? इतना प्रॉपर्टी, इतना दुकान, इतना मकान, इतना जायदाद, वो कटकांडा तू अवतार का नाम प्रॉपर लिखने को मांगता है? लेकिन वकील साहब, मेरे दोस्त अवतार को ये कभी मालूम नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ उसके नाम करने वाला उसका दोस्त नाम है। मेरे नाम पे लाखों की जायदाद। लाखों की जायदाद दिख रहा है? लाखों की जायदाद, जब भी तू छोटा होता नहीं तो इतना बड़ा बात तेरा दिमाग के अंदर कैसे जाएगा? हाँ, देख पे तेरे को समझाता है। तेरा रामपुर वाला चाचा का चाचा था ना सीतापुर में, उसके मामा का चाचा था ना उदयपुर में, उसकी पोटी के पोटे का पोटा था ना सिंगापुर में, उसकी छोकरी के छोकरे का छोकरा था ना कानपुर में, उसकी बेटी के बहन का भाई का छोकरा था ना उदयपुर में। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालेगा नहीं तो खबर तेरा समझ का अंदर आ जाएगा। एक तेरा नजीक का सगा वाला था जो बहुत दूर चला गया भगवान के पास, लेकिन आपका प्रॉपर्टी तेरा नाम का ऊपर करके चला गया। आपका खानदान का अंदर एक ही एक आदमी जिंदा रह गया, वो तू तू आ तेरा प्रॉपर्टी पेपर से। ये पानी पीने का है? ये मेरे साथ क्या रहा पेशेंट जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दिख रहा, फोकट का अंदर लाखों का जायदाद मिलता है, तू इस पे समझने और समझाने का क्या जरूरत है? थैंक यू फॉर योर वाटर, पर पानी गर्म था। पेशेंट जी। हेलो, राम साहब है? आप तो घर पे नहीं है। घर पे कहाँ गए हैं? मालूम नहीं। कब आएंगे? ये भी नहीं मालूम। डैडी, मैं जानता हूँ बेटी, तू कल से बहुत परेशान है। क्या बताऊँ डैडी, जब से राम आपसे मिलके गया है ना उसका कुछ पता है ना आप कुछ कहते हैं, आखिर बात क्या है? राम का इंतजार मत कर बेटी। क्या? हाँ बेटी, वो इस घर का दामाद बनने के लायक नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं डैडी, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा बेटे, तू राम का ख्याल दिल से निकाल दे और अवतार से रिश्ता मंजूर कर। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, अब तो उसके पास दौलत भी आ गई है, वो तेरे लिए। बस डैडी, बस, ऐसे तो मैं अपने भी नहीं सोच सकती हूँ। सलाम मैम साहब। राम साहब घर में है? ऊपर कमरे में। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? चार्ले, तुम यहाँ कैसे? आने से पहले फोन तो कर लिया होता ताकि तुम्हें अपने गुनाहों पर
पर्दा डालने का मौका मिल जाता। अब मैं समझी कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। नाराज क्यों होती हो डार्लिंग? तुम कहो तो ये प्रोग्राम कैंसिल। कम ऑन संगीता, लेट्स बी फ्रेंड्स। चिल्लाती क्यों हो? लाइफ में तो ये सब कुछ होता ही रहता है, कभी तुम यहाँ कभी कोई और। शट अप! तुमने मेरे प्यार के साथ गंदा मजा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू। क्यों मैम, अपना नाटक ठीक रहा ना? तुम जा सकती हो। वाह मैन वाह, ना हाथ लगाया ना टच किया और इतना सारा नोट दे दिया। सुनो, ये राज राज ही रखना। लेकिन मैं ये सब किस लिए, क्यों? इस लड़की के दिल में मेरी नफरत ही मेरे दोस्त की मोहब्बत बनकर जी सकती है। तुम भी एकदम कमाल का आदमी है मैन, अपना दोस्त के लिए अपना सब कुछ खो दिया। राम से मिलकर आई हूं, तेरे चेहरे का दर्द इस पाप का दिल समझता है बेटी। मैं जीना नहीं चाहती हूं डैडी, मैं जीना नहीं चाहती हूं। रो मत बेटे, रो मत। एक बेटे, उंगली में अगर जख्म हो जाता है ना तो लोग उंगली का इलाज करते हैं, पूरा हाथ काट कर नहीं फेंक देते। बेटे, अवतार तुझे दिलोजान से चाहता है और मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब तेरी शादी होगी तो अवतार के साथ। राम, राम, राम मेरे दोस्त, संगीता से मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। सच मेरे दोस्त? यार किस्मत ने मैं क्या पलटा खाया, कल तक ना मेरे पास दौलत थी ना संगीता और आज मेरे पास सब कुछ है। तू कभी सोच सकता था ऐसा भी हो सकता है? इंसान जो सोचता है वो होता कहाँ है। सब कुछ हो सकता है मेरे यार, सब कुछ। पंडित ने तो मेरी शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया, अगले सोमवार। अगले सोमवार? हाँ, क्यों, तेरी कुंडली के हिसाब से दिन अच्छा नहीं है क्या? ऐसा नहीं मेरे दोस्त, शायद मेरी किस्मत में तेरी शादी में आना नहीं है। तू और मेरी शादी पर नहीं आएगा, पागल हो गया क्या? ऐसा कभी हो सकता है? तो समझने की कोशिश कर अवतार, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या 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 मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है राम? अवतार, मैंने कह दिया ना कि मैं तेरी शादी पर नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। देख दोस्त, संगीता मेरी जिंदगी है और मैं उसके बगैर एक पल भी जी नहीं सकता, मगर तू मेरी शादी पर नहीं आएगा ना तो समझ लेना ये शादी कभी नहीं होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। ओम मंगलम स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। लग्न का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अब ज्यादा देर ठहरना उचित न होगा। पंडित जी, लग्न का शुभ मुहूर्त तब आएगा जब मेरा दोस्त यहां पहुंचेगा। संगीता एक ही तो मेरा दोस्त है, उसके बगैर मैं, वो देखो आ गया। हेलो। हेलो अनिल। संगीता, यही है मेरा दोस्त जिसके बगैर मैं एक पल भी जी नहीं सकता। शादी मुबारक हो दोस्त। मुझे पता था राम तू जरूर आएगा, मगर तू क्या करूं दोस्त, मैं जरा लेट हो गया। वो क्या है कि मैं इन जंजीरों में बंधा हुआ था ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। ओम नमः स्वाहा।
चलें। ये रोज तुम गुलाब का फूल क्यों लगाती हो? फूल प्यार की निशानी होते हैं और खुशबू उसका एहसास। इस गुलाब के फूल में तो वो खुशबू है जो दुनिया के सारे गुलाबों में नहीं। सच? कसम से शानो। क्या कहा तुमने? शानो, मेरी शानो। कितना प्यारा नाम दिया है तुमने मुझे शानो। अब संगीता कहकर कभी मत बुलाना। और अगर बुलाऊं तो? तो मैं समझूंगी तुम मुझसे नाराज हो। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। सच? सच। जल्दी करो ना, अगर ये शो शुरू हो गया और एक भी आइटम मिस हो गया ना तो ये शो देखने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? अंदर जाके पता चल जाएगा। अरे चलो ना। ये तुम मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हो? ऐसा गंदा प्रोग्राम देखने के लिए मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, बड़ी मुश्किल से ये दो टिकटें मिली है। शानू,